दोस्तों अक्षय कुमार की डूबती नैया को बचाने के लिए उतर आए मैदान में शाहरुख खान साहब। आखिरकार किस तरह से शाहरुख खान साहब अक्षय कुमार साहब की डूबती नैया को बचाने के लिए मैदान में उतर आए हैं, जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हाल ही में यहाँ शाहरुख खान साहब की फिल्म पठान रिलीज होने जा रही है, जो कि 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है। वहीं पठान को लेकर जो हाइप देखने को मिल रहा है काफी जबरदस्त लेवल का देखने को मिल रहा है। यह छप्परफार लेवल की कमाई भी कर रही है। याद रखिए, देखा जाए तो इस फिल्म ने एटलीस्ट 60 घंटों के भीतर ही एडवांस बुकिंग के मामले में 16 करोड़ के अप्रॉक्सिमेट बिजनेस कर ली है। ओवरऑल देखा जाए तो इस तरह की रिपोर्ट निकल के आ रहे हैं कि ये फिल्म सारे रिकॉर्ड और बेंचमार्क अपने नाम करने वाली है। वेल आपको बता दें कि पठान को लेकर जहां पर छप्परफार लेवल का रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, वहीं पर अक्षय कुमार साहब की तरफ से पठान के मेकर्स को एक रिक्वेस्ट भेजी गई है। आपको बता दें कि पठान के मेकर्स को ये कहा गया है, पठान का जब फिल्म रिलीज किया जाएगा तो उससे पहले आप थोड़ा सेल्फी का ट्रेलर दिखा दीजिएगा। ओवरऑल देखा जाए तो वो सेल्फी का प्रमोशन करना चाहते हैं पठान के बहाने। वेल आप लोगों को पता है कि वायरअप हमेशा ये डिसाइड करती है कि जब उनकी फिल्में सिनेमा घरों में लगे तो कौन सी फिल्म को एडवर्टाइज करना है, कौन सी फिल्म का एडवर्टाइज नहीं करना है। वो चाहे तो वो खुद की फिल्मों का भी एडवर्टाइज कर सकते हैं, चाहे वो दूसरों की फिल्मों की भी एडवर्टाइज करके उससे भी काफ़ी अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर वायरअप को रिक्वेस्ट करी गई है अक्षय कुमार साहब, यानी कि उनकी फिल्म सेल्फी के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले की तरफ से, और कहा गया है कि कृपया हमारी फिल्मों का प्रमोशन में थोड़ी सी मदद करें। जैसे में देखा जाए तो सेल्फी के प्रमोशन के लिए जहाँ पर ये रिक्वेस्ट भेजी गई है, वहीं पर देखा जाए तो वायरअप की तरफ से ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर ली गई है। वैसे मैं आपको जानकारी की बता दें, जहाँ पठान मूवी रिलीज होगी वहीं पर सेल्फी का ट्रेलर भी एज ए एडवर्टाइजमेंट के तौर पर आपको देखने को मिलेगा। वेल देखा जाए तो वहाँ पर सेल्फी का ट्रेलर अटैच होने वाला है जहाँ पठान के साथ। वैसे में कहीं कहीं यहाँ पर देखना काफी दिलचस्प होगा। वेल दोस्तों, ये अक्षय कुमार साहब की फिल्म सेल्फी का प्रमोशन इस तरह से जहाँ सेल्फी की प्रोडक्शन हाउस कर रही है, और वैसे भी सेल्फी के मेकर्स जानते हैं कि फिलहाल पठान को लेकर जबरदस्त हाइप है, इस मौके पर वो अभी अच्छा खासा सेल्फी का प्रमोशन कर लेंगे। वैसे में ये मौका वो हाथ से गंवाना नहीं चाहते हैं, और देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं सही भी है कि भाई किसी न किसी तरह से हमारी इंडस्ट्री का फायदा हो रहा है, जिसका फायदा सेल्फी के मेकर्स उठा रहे हैं। वेल देखा जाए तो इस मौके पर यही कहा जा रहा है कि अक्षय की डूबती नैया को अब शाहरुख पार लगाएंगे। वेल दोस्तों, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या रिएक्शन है, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं रिपोर्ट में, जो कि होगा आपके लिए काफी खास।